जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और ये सोचते हैं कि दिए की रोशनी में ही हमारा जीवन है, मगर उस दिए की रोशनी के परी जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और उन्हीं कहानियों को लेकर आता है आपके लिए रात के अंधेरे। फिर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। अब तो अननोन नंबर उठाने में जैसे डर सा लगने लगा है। पिछले गुरुवार को जो मेरे साथ हुआ उसके बाद, नहीं ऐसे मैं डरपोक इंसान नहीं हूं, मगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आप भी, चलिए खुल के ही बता देता हूं, मैं नाटू, पिता ने प्यार से ये नाम रखा था, हम खानदानी नाई हैं, जी बार्बर। अब आजकल जैसे फैशनेबल बार्बर्स हैं वैसे नहीं, एक छोटी सी दुकान है मेरी शहर के बीचों बीच। अब एक दोस्त के कहने पर उसका नाम रखा था नॉन स्टॉप, मगर किसे पता था कि उसका मतलब क्या होता है। दोस्त थोड़ा पढ़ा लिखा था इसलिए उसने नाम रख दिया, मगर बाद में पता चला कि नॉन स्टॉप हेयर कटिंग सैलून कितना सही नाम था। गुरुवार को छोड़कर लगभग हफ्ते के हर दिन सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक मैं अपनी दुकान खोलता था। अच्छी खासी भीड़ रहती थी। पिता से सीखा हुआ काम मैंने और भी डेवलप किया था। चाहत थी दुकान बड़ी सी कर दूं ताकि बच्चों के बड़े होने से पहले उनके लिए भविष्य सुरक्षित हो जाए। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक मार्च का महीना आया। आप लोगों के जीवन की तरह भी मेरा जीवन काफी हद तक बदल गया। वैसे काफी सुन रखा था लोगों से कि चीन में एक बीमारी फैल रही है जो काफी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, मगर किसने सोचा था कि दूसरे देश से होते हुए शहर शहर से गांव तक ये बीमारी आ जाएगी। अचानक ही सब कुछ बदल गया। वो शब्द जो हम लोगों ने आज तक नहीं सुना था वो हमारे जीवन के जैसे एक अंग बन गया। हर तरफ बस एक ही बात थी, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे के संपर्क में आने पर बीमारी फैलती है। सारा काम धाम बंद सा हो गया। जो कुछ जमा पूंजी थी धीरे धीरे परिवार के खर्च में निकलती गई। खर्च थे कि बढ़ते ही जा रहे थे और कमाई थी कि बंद थी। धीरे से चोरी छुपे दुकान चला रहा था, मगर एक दिन पुलिस का छापा पड़ गया और दुकान पूरी तरह से बंद करनी पड़ी। तभी एक दो जान पहचान वाले फोन करके बुला लेते थे, घर जाकर मैं काम कराता। एक दिन बेटे ने मजाक में कह दिया, पापा आप तो नाई होकर होम डिलीवरी कर रहे हो। उसकी बात दिमाग में बस सी गई। हाँ, लोगों के घरों जाकर भी मैं ये काम तेजी से कर सकता हूं और चार्जेस भी ज्यादा लिए जा सकते हैं क्योंकि घर आकर काट रहा हूं। आफ्टरऑल बाल तो कोई खुद नहीं काट सकता ना, और बिना कटाए भी नहीं रह सकता। मेरा काम तो तत्पर चल सकता है। मैं खुश हो गया और अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के घर जाकर ही काम करने लगा। काम भी ठीक ठाक ही चल पड़ा था, कमाई भी अच्छी हो रही थी कि अचानक गुरुवार का वो रात आई। वैसे गुरुवार को मैं लोगों के घर जाकर भी बाल नहीं काटता था, उस दिन बिल्कुल ऑफ ही रखता था, मगर उस दिन अचानक सवेरे फोन आया उधर से। व्यक्ति ने कहा, शाम को अगर आप आके मेरे बाल काट दे
देखिए सिर पर बाल बहुत बढ़ गए हैं, बड़ा भारी भारी लग रहा है। देखिए मैं गुरुवार को काम नहीं करता हूं। अरे मैं आपको दुगने पैसे देने को तैयार हूं, मेरे साथ कुछ और लोग भी होंगे, वो भी बाल कटवाएंगे, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद मैं रहूं ना रहूं, कहीं जा रहे हैं आप? मगर ऐसे हाल में कहां जाएंगे? अरे कहीं नहीं, यही समझ लो नरक तक जा रहा हूं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मगर आप प्लीज आ जाइए। एक तो लॉकडाउन का समय, ऊपर से सवेरे से ही काफी तेज बारिश हो रही थी, मगर अच्छी खासी कमाई देखकर मैं खुद को रोक ना सका और शाम को छाता लेकर निकल पड़ा। बारिश अपेक्षा की कम हुई थी। अब जैसा एड्रेस मुझे बताया गया था, खोजते खोजते वहां तक पहुंच गया, मगर शाम ढलाई थी, आसमान में एक बार फिर से काले बादल उमड़ने लगे थे, जो बता रहे थे कि आगे चलकर तेज आंधी बारिश आने वाली है। मैं जल्दी से उस घर को खोजकर वहां पहुंच जाना चाहता था, मगर धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। मैंने जेब में हाथ डाला ताकि मोबाइल टॉर्च जला सकूं, मगर ये क्या, मैं तो मोबाइल घर में ही छोड़ आया था। ओफो, अब तो ये और बड़ी मुसीबत बन गई। एक तो आसपास करंट नहीं थी, लगता है बारिश की वजह से लाइट कट गई है, मगर आजकल तो लोग घरों में इन्वर्टर लगा के रखते हैं, मगर यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऊपर से जिसने बुलाया था उसे फोन भी नहीं कर सकता था, फोन तो घर में छोड़ आया था। मन बड़ा ही खिन्न हो रहा था कि मैं आया ही क्यों। एक बार तो मन किया कि लौट जाओ, मगर फिर से याद आई अच्छी कमाई। किसी तरह से ढूंढते ढांढते मैं घर के सामने पहुंच गया, जैसा मुझे बताया गया था। घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे, वैसे भी लॉकडाउन के समय लोग ऐसे ही रहते हैं, लाइट थी नहीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर तक दस्तक देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आजकल लोग इस तरह से हो गए हैं कि इतनी दस्तक सुनने के बाद भी आसपास भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं थकार कर लौट ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुलने का आवाज हुआ। अंदर रिचार्जेबल टॉर्च की धीमी रोशनी थी। एक व्यक्ति खड़ा था, मुझे देखते ही बोला, आ गए आप, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी थी और बड़े प्यार से मुझे अंदर बुला रहा था। मैं उसके साथ अंदर चला गया। अंदर से सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, मगर ये क्या, घर में अजीब सी बदबू कैसे, जैसे जैसे इंसानी लाश सड़ी हुई हो। ओहो इतनी तेज बदबू, मैं बोल पड़ा, ये बदबू किस बात की है? अरे वो खिड़की दरवाजे बंद है ना, तो शायद बदबू फैल गई होगी, मैं खिड़कियां खोल देता हूं। लाइट तो है नहीं, मैं काम कैसे करूंगा? अरे अरे अंदर वाले कमरे में सब व्यवस्था है, आप आइए। तो मुझे सर पे बालों का बोझ बड़ा परेशान कर रहा है, आइए आइए। आपने तो कहा था कि और भी लोग होंगे, मगर घर में तो कोई दिख नहीं रहा है। है ना, मैं हूँ और मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बीवी है, सब बाल कटवाएंगे, सब कटवाएंगे। मगर मैं महिलाओं के बाल नहीं कटता। अरे वो नहीं, मैं और मेरे दो बेटे कटवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपके पूरे पैसे मिलेंगे। उस व्यक्ति के चेहरे पे लगातार मुस्कुराहट थी। मैंने सुन रखा था कि जिस व्यक्ति के चेहरे पे इस तरह हमेशा मुस्कुराहट रहे, उसके दिल में बहुत दर्द होता है। मन में यही आया, क्या ये व्यक्ति भी वैसा ही होगा। अंदर वाले कमरे में कुर्सी लगी हुई थी, टॉर्च की रोशनी थोड़ी तेज थी, काम किया जा सकता था। वो व्यक्ति हाथों में आईना लेकर बैठ गया। मैंने काम शुरू कर दिया। वो बोल पड़ा, असली में
मुझे ना आराम से बाल कटवाने की आदत है। दुकान में भीड़ में मैं कभी नहीं जाता। अब जल्दीबाजी में दूसरे ग्राहक को बुलाने के लिए आपकी जल्दी जल्दी बाल काटे, ऐसा मुझे पसंद नहीं। मैं तो दुकान में भी ऐसे समय जाता हूँ जब भीड़ ना हो। आज बड़ा मजा आएगा आराम से बाल कटवाने में। आहा, स्वर्ग का आनंद मिलता है इस काम में। आराम से बैठो, बाल कटवाओ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सुन रखा था, देखा भी था कि कुछ लोग बाल कटवाते हुए चुपचाप हो जाते हैं, कुछ लोग सो भी जाते हैं, मगर किसी को स्वर्ग का आनंद मिल सकता है, ये सोचना बड़ा आश्चर्यजनक बात थी। मैं तेजी से अपना काम करता चला जा रहा था। उस व्यक्ति ने एक बार आईने में अपना चेहरा देखा और तभी मेरी नजर पड़ी उस आईने पर। मैं चौंक पड़ा, ये क्या? व्यक्ति का चेहरा तो ऐसे था जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो, बिल्कुल फक सफेद, और मुंह पे लगा काला मास्क चेहरे को और उज्जवल करके दिखा रहा था। मैंने उसके चेहरे को देखा, अरे ऐसा तो कुछ नहीं, तो फिर क्या? मेरा भ्रम था, मगर तभी मेरे विचारों को और बल मिल गया। जमीन पर गिरते हुए बालों को देखकर मैं चौंक पड़ा। उसके सिर पर कुछ सफेद कुछ काले बाल थे जिन्हें मैं काट रहा था, मगर जैसे ही वो बाल जमीन में गिर रहे थे लाल होने लगे थे। ये कैसे हो सकता है? अचानक उसके बाल काटना कंप्लीट होने पर उसने आईने में एक बार फिर से अपना चेहरा देखा। अब की बार मैं बहुत बुरी तरह से डर गया, क्योंकि आईने में सचमुच उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंकाल बैठा हुआ हो। और यही नहीं, मेरे पीछे भी दो कंकाल खड़े हुए थे। मैं घबराकर पीछे मुड़कर देखा, मगर अरे ये तो दो लड़के थे। तो आईने में कंकाल? उसने कहा, ये मेरे बेटे हैं, ये भी बाल कटवाएंगे। एक एक कर दोनों लड़के कुर्सी पर आकर बैठ गए। मैं उनके बाल काटने लगा, मगर अब की बार भी वही हो रहा था। बाल जैसे ही जमीन पर गिरते थे लाल हो जाते थे। मैंने अपना शक सही करने के लिए एक बार झुककर जमीन से बाल उठाया। वो आदमी बोल पड़ा, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है आपको बाल लाल हैं। अरे उनके बाल असली में लाल किस्म के ही है, रोशनी की कमी ने सर में समझ में नहीं आ रहे, जमीन पर गिरे तो लाल दिख रहे हैं। बड़े प्यारे लाल बाल वाले बच्चे हैं मेरे। मैं कहना चाहता था मगर कह ना सका कि सर पे तो बाल काले हैं, गिर के लाल क्यों हो रहे? काम हो गया। उसने पूछा, कितने पैसे हुए? मैंने कहा, 200 रुपए। 200? देखिए, घर में आके काट रहा हूं और आपने वैसे भी कहा था कि ज्यादा पैसे देंगे। अच्छा अच्छा, अरे पर्स तो अंदर ही रह गया, मेरी पत्नी से मैं पैसे लेके आता हूं। मैं एक बार चौंक पड़ा। अंदर कमरे में जाकर अगर वो वापस ना आया तो मैं क्या करूंगा? तो आप यहीं से मंगवा लीजिए ना। मैं भाग जाऊंगा सोच रहे हो क्या? अच्छा मंगवा लेता हूं। अरे सुनती हो, जरा 200 रुपए भिजवा दो तो, इसे देना है, काम हो गया है। कहकर वो वहीं उस कुर्सी पर बैठ गया। मुझसे कहा, तुम ही गेट के पास चली जाओ, मेरी पत्नी से पैसे ले लो। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, मगर काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं तंग हो गया। मैं बोल पड़ा, माँ जी पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊं, काम हो गया है। मगर अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी, बिजलियों की चमक रह रहकर कमरे को उजाला कर दे रही थी। तेज हवा ने एक बार कमरे का पर्दा उड़ाया और बाहर चमकी बिजली ने कमरे को रोशनी से भर दिया, और इस दौरान मैंने जो देखा उसे देखकर
मेरे जैसे होश उड़ने वाले थे। कमरे के अंदर खाट पर तीन सड़ी गली कंकाल बैठे हुए थे, जिनमें से एक कंकाल एक स्त्री का था, जिसने हाथों में रंगीन चूड़ियां और सिर पर सिंदूर पहना हुआ था। दो बच्चों के कंकाल थे, जिनके हाथों में बहुत ही सुंदर कड़े थे। मैंने गौर से देखा तो समझ में आया कि कुछ देर पहले दो जो बच्चे बाल कटवा कर गए, उनके हाथों में भी ठीक ऐसे ही कड़े थे। मैं एक पल को स्तब्ध हो गया, मैं पीछे की तरफ सरक गया और दौड़कर उस व्यक्ति के पास आया जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने उसे आकर कहा, साहब साहब, अंदर तीन लाशें। ऐसा कहकर मैंने उसके कंधे को झकझोड़ा, मगर ये क्या, वो तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे ही जमीन पर गिरा, उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ गया। मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकल गई, क्योंकि जमीन पर जो गिरा था वो व्यक्ति नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी। मैं चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। आंख जब खुली तो आसपास बहुत से लोग थे। मैं एक बार फिर से घबरा गया, इतने सारे लोग, ये भी क्या प्रेत है जो बाल कटाने आए? चीख कर मैं उठ गया, मगर तभी एक व्यक्ति ने मेरे कंधे को झकझोरा। अरे अरे, क्या हुआ? आप लोग कौन है? अब घबराओ नहीं, तुम इस वक्त सुरक्षित हो और सुबह हो चुकी है। कहां आए थे तुम? जी वो मुझे फोन करके बुलाया गया था बाल काटने के लिए। किसने बुलाया था? जी वो अखिल मिश्रा जी ने। अखिल मिश्रा, कंफर्म हो? जी, फोन में तो यही कहा गया था। और तुम चले किसके यहां गए थे? जी, अखिल मिश्रा जी। क्या अखिल मिश्रा तो मैं हूं, तुम मेरे यहां आए थे? नहीं। अरे, मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया था, एड्रेस दिया था, मगर लगता है अंधेरे में तुम रास्ता भटक गए और मेरे घर के सामने वाले घर में निखिल मिश्रा के यहां चले गए। वैसे ये कंफ्यूजन कई बार लोगों को होता है अखिल और निखिल में, मगर आज जो कुछ हुआ वो लगता है तुम्हारे साथ किसी दुर्घटना के रूप में घटा। जी, अब तुम अपना मोबाइल घर छोड़ आए थे, मैंने तुम्हें बुलाया था, जब तुम नहीं पहुंचे तो कई बार तुम्हारे मोबाइल पर कॉल किया, तुम्हारी पत्नी ने बताया तुम निकल चुके हो, मगर तुम आए नहीं। रात में अचानक उस घर में भयानक चीख सुनकर हम सभी घर की ओर दौड़े। निखिल मिश्रा जी उस घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ समय से हम सभी एक दूसरे से काफी दूर हैं, मगर मोहल्ले में ऐसी एक घटना घट जाएगी हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या? हाँ, आज दैव योग से ही तुम शायद उस घर में बाल कटाने चले गए। मिश्रा जी को भी बाल कटाने का बड़ा शौक था, खाली दुकान में बैठकर बाल कटाना उन्हें बहुत पसंद था। मगर मैंने जो देखा, आगे कहानी मैंने उन्हें बता दी, वो सभी सुनकर आश्चर्यचकित थे। अखिल मिश्रा जी आगे बोल पड़े, वैसे तुम्हारा उस घर में जाना एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम अगर उस घर नहीं जाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे मोहल्ले में एक इतनी बड़ी घटना घटी हुई है। निखिल मिश्रा जी एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करते थे, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उन्होंने ये घर लिया था, बहुत मोटी ईएमआई चुकानी थी, बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक छोटा सा बिजनेस भी चालू किया था, मगर लॉकडाउन के चलते न तो जॉब रही न ही बिजनेस सक्सेस हो पाया। परिवार का खर्च चलाने का जिम्मेदारी सिर पर थी और साथ ही घर की ईएमआई पटाना भी। लगता है इसी दुख से उन्होंने अपने परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली, मगर लॉकडाउन के चलते हम में से किसी को यह बात पता ही नहीं चल पाई और लाशें घर में पड़ी सड़ती रही। आज तुम्हारे उस घर में जाने से सभी मोहल्ले वालों को यह बात पता चली, पुलिस आई, पंचनामा हो रहा है और अब
उनकी लाशों का दाह संस्कार होगा। मैं सारी बातें हास्यचकित होकर सुन रहा था। इसके बाद मैं घर लौट आया, मगर कसम खाई कि अब किसी भी हाल में शाम के वक्त किसी के घर में भी होम डिलीवरी देने नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नॉन स्टॉप हेयर कटिंग सैलून होम डिलीवरी शाम को स्टॉप रहेगी।